नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ हूं मैं नेहा बाद। हम राजस्थान की बात करेंगे सबसे पहले, जहां के रण में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों पर फोकस किया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, साथ ही कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखने का भी वादा किया गया है। बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन की सुविधा देने का भी वादा कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत घोषणा पत्र जारी करते हुए अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें कृषि उपकरणों पर जीएसटी माफी की बात कही गई है, बुजुर्ग किसानों को पेंशन मिलेगा ये कहा गया है। जाहिर तौर पर फोकस किसानों पर है, क्योंकि जिस तरह से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था उसे लेकर अब सभी पार्टियां अपनी चिंता घोषणा पत्र के जरिए व्यक्त कर रही हैं। हमने ये घोषणा पत्र बनाया है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। और हर बार की तरह इस मैनिफेस्टो के बाद हम लोग एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाएंगे और राजस्थान सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी टाइम बाउंड तरीके से। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है हमने 15 लाख नौकरी का वादा किया था, 10 दिन पहले कहा कि 44 लाख दे दिए हैं और परसों स्टेटमेंट आया कि 50 लाख हो गए। इतने तो शायद बेरोजगार राजस्थान में नहीं है जितनी नौकरी दे चुके हैं हम लोग, इसलिए वो झूठ का पुलिंदा है। हम लोग सारे काम जो हम लिख रहे हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से पूरी कन्विक्शन से पूरी शिद्दत से करेंगे। हमारी गवर्नमेंट जब जब आई है 98 के अंदर भी और 2008 के अंदर भी, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर, ये देश में पहली बार होता है जहाँ हम लोग मैनिफेस्टो को कैबिनेट से अप्रूव करवा लेते हैं। तो ये वादा करके हम चुनाव जीत के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन वादों को निभाएं। इसलिए ये मैनिफेस्टो में जो लिखे हुए हैं ये हमारे वादे जनता से हैं। आज सुबह में अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर एक इंजीनियर ने सरेआम एक आदमी का खून कर दिया। ये वारदात मीर चौक इलाके में हुई। आरोपी अब्दुल ने सरेआम बीच सड़क पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर एक शख्स की हत्या कर दी। मुर्र करने वाले का कहना है कि उसने जिस आदमी की हत्या की है वो उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने उसका मर्डर कर दिया। भाई बोलते था भाइयों बोलते मारो, तब तक भाई पत्नी को निकाल देना पड़ा। ऐसा मारे को हम मार दे तो कोई नहीं जाएगा, हम मारे बोलते थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।